रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बताने की विवेक नगर वार्ड नंबर 9 में लड़की की गोद भराई के कार्यक्रम में कारीगर खाना बना रहे थे, तभी अचानक LPG गैस सिलेंडर के पाइप में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे वहां मौजूद लड़की के पिता सहित अन्य लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। आनन फानन में झुलसे हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं जिला अस्पताल के PMS डॉक्टर राजेश सिन्हा ने बताया है कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है, इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। रुद्रपुर से संवाददाता मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ले आए थे OPD टाइप के, और अभी 4 और हैं यहाँ पे अंदर, और आगे भी और संभावना है कि कोई आए। और इसमें बर्न है, इसमें जला हुआ है, और चेहरे पे है, किसी के हाथ पे है, किसी के पैर पे है। और यहाँ पे हम इसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर एंड सर्जन और जितने भी मेडिसिन हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या और कोई भी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास इसके इलाज की सुविधा, और ये सब किया जाएगा जो भी करना संभव है। यहाँ चाइल्ड कैंप में रहता हूँ मैं, वहीं पर मैं खाना बना रहता, और जो पैप था वो था रबड़ का, उसी में गर्म पड़े वो आग लग गई उसमें, और लगभग 3 बच्चों को बचाया था मैंने, यहाँ बोर्ड के ऊपर से 3 बच्चों को बचाया था मैंने, अंदर से बाहर लेके आया उन्हें।